इस हॉस्पिटल में 12 पद की स्वीकृति मिला हुआ है। सभी लोग यहां से अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर और एक एनएम इस हॉस्पिटल में अभी वर्तमान समय में कार्यरत है और शेष लोग वही कहां रहता है इस बात के लोगों को पता नहीं। अगर वो अपने को दबंग बूझते हैं, हम दबंग घर की बेटी पुतों हैं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे देवरा सुदूर इलाका में, तो नौकरी से बर्खास्त होकर कर हो जाए। ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र देवपुरा है। यह स्वास्थ्य केंद्र 1950 ईस्वी में 6 बेड का बना था। एपीएससी में काफ़ी समस्या खराब है। मैं विगत 4 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। फिलहाल यहाँ औसतन 70-80 रोगी ओपीडी में देखे जाते हैं। प्रत्येक महीना तकरीबन 60-70 प्रसव भी होता है, मगर प्रसव लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। अगर कोई रोगी गंभीर रूप से बीमार हो या फिर प्रसव के दौरान किसी तरह की कैजुअल्टी बनती है तो उसे ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। प्रसव कक्ष में प्रसव के जितने सारे उपकरण होने चाहिए उनमें से कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए या तो नावकोठी नहीं तो बेगूसराय जाना पड़ता है। कैसे ले का है परसेंट को यहाँ पे प्राइमरी थी गरीब से कितना रुपया लिया ले जाने और आने दोनों का ना एक ही तरह बहुत दिक्कत से नहीं हो तो चला वो तो दीदी को फोन किए दीदी कहे क्रेश करी दीदी खूब समझाए बुझाए कहे तब तैयार हुआ तब गया नहीं तो घरे पर हो जाता। मैं चाहती हूँ कि ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र देवपुरा में एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए और यहाँ पे सही से एम्बुलेंस होने से यहाँ का जच्चा बच्चा और रोगी को सही चिकित्सा मिल सकता है। इसके लिए अभी मेरा मदद कर सकते हैं। बेगूसराय जिला का सिविल सर्जन वीरेंद्र कुमार का मोबाइल नंबर है 9470003084 पे कॉल करके उनके दवा बनावे और एम्बुलेंस की सुविधा दी जा सके। मैं इंदु जिला बेगूसराय बिहार से इंडिया आना चाहता हूँ।